Apparently, this filter shows your celebrity twin. ठीक है, तो अभी के टाइम अपने इंस्टाग्राम पर ये वाली रील तो जरूर देखिए, क्योंकि टाइम में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एंड अगर आप भी कुछ टाइप रील को एडिट करके अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हो तो यार काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाता है आपकी रील वायरल होने के। तो आज की वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे टाइप रील को एडिट कर सकते हो एंड कैसे अपनी रील को वायरल भी करा सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उस पर अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर दें ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो इस टाइप की रील को एडिट करने के लिए पहले आपको एक फोटो की जरूरत पड़ेगी एंड वो फोटो आपके किसी फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस का हो सकता है। तो देखो आपको यहाँ से फोटो कैसे डाउनलोड करना है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखो क्या करना है, आपको पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा, देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है और आपको यहाँ पे अपने फेवरेट एक्टर या फिर एक्ट्रेस का यहाँ पे आपको नेम टेक्स्ट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ से ऋतिक रोशन फिलहाल कर लूँगा, तो मैं यहाँ से ऋतिक रोशन टेक्स्ट करके यहाँ से सर्च पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, देन क्या करना, देखो आपको यहाँ पे इमेज वाला ऑप्शन भी टाइप से क्लिक कर देना है और इसके जो फोटोज होंगे यहाँ पे सारे आ जाएंगे। देन क्या करना, देखो आप यहाँ से जो भी फोटो ठीक लगे आप यहाँ से बहुत इजीली चूज कर सकते हो। जैसे फिलहाल मैं यहाँ से कोई फोटो देख लूंगा। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ से ये वाला फोटो चूज कर लूंगा। ठीक है, तो मैं इस पे यहाँ पे इस टाइप से क्लिक कर दूंगा और देखो क्या करना है, मुझे ये वाला फोटो यहाँ से डाउनलोड करना है। तो देखो वो कैसे कर सकते हैं, तो क्या करना है आपको यहाँ पे इस टाइप से फोटो पे टैप करके रखना है। ठीक है, एंड जैसे आप यहाँ पे टैप करके रखोगे तो आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड इमेज वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली इस टाइप से क्लिक करके ये वाली फोटो आप यहाँ से बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड वाला ऑप्शन में क्लिक करके इस टाइप से। ठीक है, तो ये वाली जो फोटो होगी आपकी गैलरी में यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ से बिल्कुल बैक हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल बैक हो जाएंगे एंड क्या करना है, देखो आपको यहाँ से अपनी गैलरी को ओपन कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ से गैलरी को फिलहाल ओपन कर लूँगा एंड देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ से अपनी इसी वाली फोटो पे क्लिक करना है जो कि हमने यहाँ से अभी मतलब यहाँ से हमने डाउनलोड की थी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखो क्या करना है आपको, मतलब इस वाली फोटो को यहाँ से क्रॉप करना है 9:60 रेशियो में। तो देखो वो कैसे कर सकता है, उसके लिए आपको किसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक काम गैलरी में भी कर सकते हो। तो देखो क्या करना है, आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे एडिट वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो जैसे मेरे फोन में यहाँ पे है, ठीक है, तो मैं इस टाइप से क्लिक कर दूंगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पे क्रॉप वाला ऑप्शन पर इस टाइप से क्लिक कर देना है क्योंकि हमें यहाँ पे फोटो को क्रॉप करना है। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे रेशो मिल जाते हैं बट आपको सिर्फ यहाँ पे 9:60 वाला रेशो ही चूज करना है जो कि हम इंस्टाग्राम रील के लिए करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक, आपको अपने फोन में यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो जैसे मेरे फोन में यहाँ पे है, ठीक है, तो मैं इस पर यहाँ पे इस टाइप से क्लिक कर दूंगा। ठीक है, देन क्या करना, देखो आपको यहाँ पे राइट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ से सेव वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो जो ये वाली फोटो होगी आपके यहाँ से 9:60 रेशो में यहाँ पे सेव हो जाएगी। देन क्या करना, देखो हमारे यहाँ पर इतना काम खत्म हो चुका है, तो क्या करना है आपको यहाँ से बिल्कुल बैक हो जाना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो अभी क्या करना है आपको यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से अपने इंस्टाग्राम को फटाक से ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो देखो हर बार की तरह आपके सामने यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो देखो क्या करना है आपको यहाँ पे सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से क्लिक करेंगे एंड देन आपको यहाँ पे रील वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे जो आपका कैमरा होगा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो देखो अभी क्या करना है यार, फिलहाल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल यार ध्यान से देखना, तो अभी मैं जैसे तैसी वीडियो बना ही रहा हूँ। तो देखो अभी क्या करना है आपको यहाँ पे एक फिल्टर डाउनलोड करना है। तो देखो वो कैसे कर सकते हो आप, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको सिंपली इस टाइप से क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है अभी मैं आपको वो बता देता हूँ। तो क्या करना है आपको यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करना है। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे सर्च करना है बिफोर एंड आफ्टर। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे सर्च करके बता देता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाक से सर्च कर लेंगे एंड आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे बट आपको यहाँ से सबसे पहले वाला ही चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो इसे यहाँ से चूज़ कर लेंगे फटाक से इस पर क्लिक करके। और देखो क्या करना है आपको यहाँ से बैक हो जाना है, तो यहाँ से बैक हो जाएंगे। और क्या करना है, देखो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ऐड मीडिया वाला। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से वही वाली फोटो चूज कर लेनी है जो कि हमने वहाँ से क्रोम से डाउनलोड की थी। तो इसमें यहाँ पे क्लिक करके इसे यहाँ से चूज कर लेंगे। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे दबा के रखना है, मतलब क्लिक करके आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो जो आपकी वीडियो की प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे करके एक बार दिखा देता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है,
ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी रील बन के रेडी हो चुकी है। देन क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे इस टाइप से क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद का जो क्राइटेरिया है वो तो आपको बता हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे रैंकिंग टैग लगा सकते हो, टाइटल वाइटल आप बहुत ईजी यहाँ पे लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो पसंद था वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर देना, ताकि आने वाले अगले ट्रेंड की वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। पूरी राइट वाली वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो जल्दी से इस पर क्लिक करो और जल्दी से देखो।